हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अविशानंद आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस पे स्वागत करती हूँ। तो मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आप लोग की प्रिपरेशन सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। देखो थोड़ा गला खराब है तो थोड़ा सा मैनेज करना, थोड़ा कोऑपरेट करना आप लोग, ठीक है। बाकी हम लोग क्लासेस बीच में बहुत ज़्यादा ब्रेक हो गई थी, आपको भी पता है, इसलिए हम लोग क्लासेस अभी ब्रेक नहीं कर रहे हैं। क्लासेस जैसे भी तैसे मैं कंटिन्यू रखूँगी आपकी, ठीक है, जब तक कि हाँ पूरा मतलब मैं केपेबल रहूँ लेने के लिए, तब तक मैं आपकी क्लासेस लूँगी, ठीक है। तो आपको पता है हम लोग यहाँ पर एप्टीट्यूड सीखते हैं, मैथ सीखते हैं, कंसेप्ट सीखते हैं नए, और बाकी कैसे आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस को टैकल करना, हर कुछ हम लोग यहाँ पर सीखते हैं। और आपको ये भी पता है जैसे आपकी ये एप्टीट्यूड की क्लासेस होती हैं, आपकी रीजनिंग की भी क्लासेस होती हैं, आपके विक्रम सर लिखते हैं, जिन्होंने भी नहीं देखा है जा करके देखो, वो भी बहुत चीज़ें बेसिक से बताते हैं और एकदम अपर लेवल तक, जैसे आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं या फिर कोई ट्रिक तरीका जो भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें वो बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। तो आप उनको भी जा करके देखो, आपको उनकी क्लास में बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। बाकी टेक्निकल की क्लासेस आपकी मैम लेती हैं, तो जो भी टेक्निकल वाले बच्चे हैं आप उनको देख सकते हो। और हम लोग तो यहाँ पे करते ही करते हैं एप्टीट्यूड, ठीक है। आपको पता है हमने ऐसे ही ऐसे निकाल लिया है, परसेंटेज कर लिया है कंप्लीट, रेशियो प्रोपोर्शन कंप्लीट कर लिया है, प्रॉफिट लॉस कर लिया है कंप्लीट, एवरेज भी हमारा कुछ लेक्चर हो गया है, ठीक है। और हम लोग धीरे धीरे एवरेज में आगे बढ़ रहे हैं। तो पहले आप मेरे को ये बता दो कमेंट करके कि आपको एवरेज समझ में आ रही है चीज़ें, जितना भी अभी तक मैंने पढ़ाया है वो सारी चीज़ें सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हैं कि नहीं है, पहले आप मेरे को कमेंट करके ये बता दो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हम लोग उसी पे बेस्ड जो भी हमने पिछले बार सीखा है उस पर कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और एग्जामिनेशन में कैसे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। और हाँ, मैं देखो मैं आपको एक ही मेथड के थ्रू बता रही हूँ कि आपको एग्जामिनेशन में कैसे करना है, वही एक ही मैं क्यों फॉलो कर रही हूँ, जिससे कि आपकी कमांड उस पर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाए, ठीक है, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इसीलिए मैं एक तरीका ही आपको बहुत अच्छे से बता रही हूँ कि आप अच्छे से उसको कर सको, ठीक है। तो कल लास्ट में जाते जाते हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे, ठीक है, एक तो उनको जैसे मैं करती आई उस तरीके से मैंने बता दिया था, लेकिन उस क्वेश्चंस को करने का आपका ट्रेडिशनल वे भी जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कहते जा रहा है, ट्रेडिशनल वे भी अगर आप फॉलो करोगे ना तो उससे भी बहुत अच्छे तरीके से इजीली क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों को उसमें दिक्कत है तो आप इससे कर सकते हो। तो मैंने सोचा इससे भी बता दिया जाए कि अगर आप कैलकुलेशन थोड़ी छोटी रहेंगी तो आपके लिए ये भी हेल्पफुल रहेगा। तो जिन बच्चों को नहीं आता है तो उसके साथ साथ आप ये भी जान लो कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक नया क्वेश्चन उठा लिया है डायरेक्ट, आपको पिछले पे जाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए नया क्वेश्चन मैंने उठा लिया है। हाँ, लेकिन इस क्वेश्चन को जो मैंने नया कराया, पिछले तरीका जो मैंने बताया उस तरीके से आप उसको करना, और जो अभी मैं बता रही हूँ ट्रेडिशनल वे जैसे क्वेश्चन में कहता जाए, वो सारे से जितना प्रीवियस क्वेश्चंस मैंने करा रखा है वो सारे क्वेश्चंस आप लोग खुद से ट्राई करना घर पे जाके, ठीक है, कि आपसे बन रही है कि नहीं चीजें, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। आपके राइट साइड में क्वेश्चन आ गया होगा, आप लोग उसको ट्राई करो। जैसे क्वेश्चन आया है ना, आप लोग देखो पहले आप मेरे को बेसिक से करके बताओ कि आपका आंसर क्या आ रहा है, फिर मैं बता रही हूँ कि मैं कैसे करने जा रही हूँ। एक और तरीका है, उस तरीके से मैं आपको कैसे बताऊंगी वो मैं अभी बता रही हूँ, आप उस तरीके से भी कैसे सॉल्व कर सकते हो, अप्रोच कर सकते हो एग्जामिनेशन में, ये भी एक अच्छा मेथड है। देखो क्या बोला है ना कि एवरेज एज ऑफ 50 स्टूडेंट्स दे रखा है, नहीं सॉरी, एवरेज एज ऑफ 50 स्टूडेंट्स आपसे पूछ रखा है, ठीक है, लेकिन बोल रहा है कि कोई 50 स्टूडेंट का ग्रुप है और उसमें जब एक टीचर इंक्लूड होता है ना, 65 साल उसकी एज है, टीचर जब इंक्लूड होता है तो क्या होता है, एज जो है एक साल से बढ़ जाती है, एवरेज एज एक साल से बढ़ जाती है। तो उन 50 स्टूडेंट्स का एवरेज एज क्या है ये आपसे पूछ रखा है। क्वेश्चन समझ में आया जैसे पहले था, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बस आप इसको मेरे को बताओ कि आपको जैसा मैंने कल बताया था उस तरीके से आपका क्या आंसर आ रहा है, उसके बाद हम लोग आज इसको एक और तरीके से सीखेंगे कि इसको और कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है कि 50 स्टूडेंट हैं आपके, ठीक है, 50 स्टूडेंट हैं, उनका कुछ एवरेज रहा होगा, ये मैंने बताया था आपको। अब क्या हो रहा है, एक टीचर आ रहा है, अच्छा टीचर की एज दे रखी है कि भाई टीचर जो है ना 65 साल का है आ रहा है, अब वो क्या कर रहा है, एवरेज को एक साल से बढ़ा दे रहा है,
एक साल से बढ़ा दे रहा है, मतलब ये चीज तो आपको क्लियर है कि टीचर जो है ज्यादा वेट एज लेकर के आया है और वो क्या किया है, इनको डिस्ट्रीब्यूट किया 500 लोगों को, तब जाके सबकी एक साल एवरेज बढ़ गई है, ये चीज तो इतना क्लियर है। ठीक है, अब देखो भाई, एक साल एवरेज बढ़ा है, ठीक है, तो एक साल हर एक बंदे का बढ़ा है, मतलब टोटल बंदे थे कितना 50, तो टोटल एज बढ़ा कितना है, तो इंटू वन कर दो, कितना है बढ़ा है 50 साल, तो टोटल जो है 50 साल एज बढ़ा है, ये चीज क्लियर है। तो ये जो 50 साल एज बढ़ा है, ये टीचर ने दिया है ना, टीचर ने स्टूडेंट को दिया है कि भाई लो मेरे से 50 साल एज ले लो तुम लोग और मेरे इक्वल आ जाओ, मेरे एवरेज के इक्वल आ जाओ, क्लियर ये चीज। तो टीचर का एज तो था 65, लेकिन टीचर ने 50 साल अपनी एज बांट दी, तो 50 साल अपनी जब एज बांट दी है तो क्या हुआ है, इक्वल आ गया इन सबके, मतलब ये जो 50 स्टूडेंट है प्लस टीचर, ये इक्वल आ गया सब, तो जब बांटा है तो कितना बचा है 15 साल, कितना बचा 15 साल, मतलब टीचर और टीचर का और 50 स्टूडेंट सब मिला करके एवरेज कितना था 15 साल। अच्छा, अब ये 15 साल था कब था, जब एक ईयर सबका इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, जब एक ईयर इंक्रीज होता है एवरेज, तब तो है ये 15, तो एक साल पहले कितना रहा होगा, या फिर सॉरी एक साल नहीं, यहाँ पे जब सिर्फ 50 स्टूडेंट रहे होंगे, आपका टीचर इंक्लूड नहीं रहा होगा, तब एवरेज क्या रहा होगा, तो 14 साल, एवरेज क्या रहा होगा 14 साल, यही आपसे पूछा है कि जो 50 स्टूडेंट है उनका एवरेज क्या है। क्लियर, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी थी इसके पहले के लेक्चर में। देखो जिन्होंने भी नहीं देखा है, अभी नए हो आप, प्लीज पहले के लेक्चर्स जो भी हैं आप उनको भी देख लो, क्योंकि मेरा तरीका जो है कि मैं एक एक जो पहला है उसी को पकड़ती हूँ, उसी मेथड को मैं बार बार अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर आप नहीं देखे उस चीज़ को तो आप आगे सीख नहीं पाओगे, फिर आपको प्रॉब्लम होगी, बाकी बच्चे कर ले जाएंगे, आपको समझ ही में नहीं आएगा कैसे कर रहा हूँ, ठीक है, तो फिर इस तरीके से इरिटेशन आपको होगी और फिर आप पढ़ना छोड़ दोगे बीच में। आप इसीलिए मेरी बात मानो, पहले आप जाके हमारा पहला लेक्चर जो है, पहला दूसरा तीसरा जितने भी हो रखे हैं एवरेज के लेक्चर, आप उनको जा करके देखो और फिर आप यहाँ पे आओ उसको भी सॉल्व करो, ठीक है, फिर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब देखो इसको मैं एक और तरीके से कैसे बताने जा रही हूँ, एक तो ये मेथड मैं हमेशा आपको फॉलो करा रही हूँ स्टार्टिंग से, फर्स्ट डे से एवरेज के, इसको एक और तरीके से आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, ईजिली वे में कर सकते हो एग्जामिनेशन में, अगर आपका डेटा जो है गिवन जो है वो अच्छा है, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है कि एवरेज एज ऑफ 50 स्टूडेंट आपको फाइंड आउट करना है, तो हम लोग सपोज कर लेते हैं क्या कि एवरेज एज हमारी, लेट एवरेज एज ऑफ 50 स्टूडेंट्स इज व्हाट एक्स, ये हमने सपोज कर लिया, ठीक है। अब बोल रहा है क्या कि 50 स्टूडेंट की एवरेज एज एक्स, मतलब टोटल एवरेज का सम कितना आएगा, तो 50x, ये चीज आपको क्लियर है, टोटल सम कितना है 50x आ गया। अब देखो क्या कह रहा है कि जब टीचर को इंक्लूड किया जाता है, जो कि जिसकी एज क्या है 65 साल, तो मतलब इस 50x में जब हम टीचर की एज को इंक्लूड करते हैं, ये टोटल एज हमारी आ गई 50 स्टूडेंट की 50x, ठीक है। अब जब टीचर की एज को हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं तो हो क्या रहा है भाई, जो आपका पहले क्या कहते हैं, पहले एज था एवरेज एक्स, उससे एक साल बढ़ जा रहा है, मतलब क्या हो जा रहा है वन ईयर बढ़ जा रहा है। अच्छा ये टोटल है कितने का, तो भाई 50 पहले स्टूडेंट थे, एक टीचर भी, तो टोटल ये 51 लोगों का तो एवरेज है, तो 51 लिखती है। क्लियर ये चीज क्यों लिखा, देखो 50x मतलब टोटल 50 स्टूडेंट का आपके टोटल ये आपका एज आ गया, ठीक है। अब क्या है गिवन कि भाई जब टीचर है 65 साल का, उसकी एज अगर हम इंक्लूड करते हैं ना, तो हमारा जो एवरेज हमने x मान रखा उसमें एक साल की बढ़ोतरी हो जाती है, ठीक है। कब होती है बढ़ोतरी, जब हम टीचर की एज ऐड करते हैं, तो यहाँ पे टीचर की एज ऐड कर दिया, तो इस किसके इक्वल है, तो एज में एवरेज में एक साल की बढ़ोतरी हो गई, ठीक है, और इनटू 51, क्यों 51, क्योंकि पहले 50 स्टूडेंट थे, एक टीचर भी तो ऐड हो गया है, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एज किसका किसका, टीचर का भी आपके और 50 स्टूडेंट का भी क्या है, यहाँ पे ये है 51 इंटू एक्स प्लस 1, और यहाँ भी ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ 50 स्टूडेंट आ गया यहाँ पे
50 स्टूडेंट और ये 65 जो है टीचर का आ गया। तो मतलब यहाँ भी आपके 50 स्टूडेंट और एक टीचर का है एज, और यहाँ भी आपके 50 स्टूडेंट और टीचर का एज आ गया। इन दोनों को इक्वेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। एक्स की जो वैल्यू होगी यहाँ पे आपने सपोज करा था, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ 50 एक्स है, यहाँ ओपन करोगे ब्रैकेट को तो 51 एक्स है, ठीक है। तो ये 50 एक्स आपका इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, एक्स क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू, अब ये 65 है, 65 है, और ये 51 इंटू 1 51, तो आपका ये प्लस में है तो इधर आएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 51 क्या जाएगा आपका, 5 में से 1 गया 4, 6 में से 5 गया 1, क्या जाएगा आपका 14 ईयर। एवरेज एज आपकी क्या आ गई यहाँ से, 14 ईयर। यहाँ भी हमारी क्या आ रही थी एवरेज एज, 14 ईयर। क्लियर ये चीज, ये समझ में आया ना आपको, ये कैसे मैंने करा आपको, बस कुछ नहीं करना है, जैसा जैसा आपको क्वेश्चन में कहा है आप एक इक्वेशन बना लो, ठीक है, और दोनों को इक्वेट कर लो, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर और नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं और तरीका सीखते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, अब आगे कुछ और कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो इसको रब कर देती हूँ अब मैं, ठीक है, इसको रब कर देती हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे आ गया होगा, आप लोग उसको ट्राई करो। ये देखो पिछले क्वेश्चन पे ही बेस था, मैंने करा दिया आपको क्योंकि मुझे ये कंसेप्ट बताना था आपको, कल की क्लास में मैं नहीं बता पाई, मिस हो गया था, इसीलिए मैंने आज बता दिया। बाकी अभी वाला जो क्वेश्चन है आप उसको ट्राई करो, और हाँ ये जो क्वेश्चन है अभी आपके सामने इसको भी बेसिक से जैसे मैंने अभी नीचे बताया था उस तरीके से ट्राई करना, इससे भी आपका हो जाएगा इजीली, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से सॉल्व करो, मेरे फिर मेरे को बताओ आंसर आपका क्या आ रहा है। पहले देखो क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है। एवरेज एक्सपेंडिचर मेड बाई 35 स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल इज रिड्यूस बाई ₹4 एंड टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 630 व्हेन एक्सपेंडिचर ऑफ 7 न्यू स्टूडेंट्स आर इंक्लूडेड। अच्छा, फाइंड एवरेज ऑफ 35 स्टूडेंट, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि भाई 35 स्टूडेंट है, उनका एवरेज हो जाता है चार, उनका जो एवरेज है ₹4 से डिक्रीज हो जाता है, कब, जब आपके 7 नए स्टूडेंट और इंक्लूड होते हैं हॉस्टल में, और खर्चा टोटल जो खर्चा होता है ना वो बढ़ जाता है कितने से, ₹630 से, ठीक है। तो एवरेज पूछा आपसे, 35 स्टूडेंट का एवरेज क्या होगा, क्वेश्चन ये आप समझ रहे हो कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है। देखो मान लो आप हॉस्टल में रहे होगे तो आपको पता होगा कि भाई मान लो आपके हॉस्टल में कुछ बच्चे रहते हैं 50 बच्चे, ठीक है। अब क्या हुआ, 50 बच्चों की 50 बच्चों का हर दिन का कुछ तो भी खर्चा आता होगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि 4 और बच्चे ऐड हो जा रहे हैं, तो जो खर्चा है 4 बच्चे उनकी वजह से तो बढ़ रहा है, तो यही खर्चा जो है ना आपका टोटल वो बढ़ जा रहा है, बट जो एवरेज खर्चा है ना हर डे का जो एवरेज होता है वो आपका कम हो जा रहा है। क्यों कम हो जा रहा है, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा और हो रहा था बाकियों पे, ये जो आए हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है ना, इसलिए वो एवरेज ऑन एन एवरेज खर्चा कम हो जा रहा है, ठीक है। ये आपको कंसेप्ट समझ में आया कि हो क्या रहा है, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, तो पहले मैं कौन सा मेथड बताऊं आपको, ट्रेडिशनल वाला बताऊं कि जो हम लोग करते चले आ रहे हैं वही बताऊं। चलो पहले हम लोग जो करते चले आ रहे हैं वो करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको ये वाला तरीका भी बताती हूँ, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, 35 स्टूडेंट है आपके, ठीक है, 35 स्टूडेंट है, उनका कुछ एवरेज रहा होगा हमें नहीं पता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है ना कि 7 नए स्टूडेंट हॉस्टल में एंट्री ले रहे हैं, ठीक है, 7 है ना, हाँ, तो 7 नए स्टूडेंट आ रहे हैं, फिर क्या हो रहा है, एवरेज जो है ₹4 से रिड्यूस हो जा रहा है, तो जो एवरेज है वो ₹4 से रिड्यूस हो जा रहा है, माइनस दैट मीन्स रिड्यूस हो रहा है, और आपका जो खर्चा है टोटल एक्सपेंडिचर, जो टोटल खर्चा है वो बढ़ जा रहा है, ₹630 टोटल खर्चा बढ़ जा रहा है। अच्छा, ये जो टोटल खर्चा बढ़ रहा है आपका ₹630, ये लेकर के कौन आया है आपका, ये कौन लेकर के आया है, तो ये जो 7 लोग है यही तो लेकर के आए हैं ना, समझ में आई बात, 7 लोग ये ₹630 लेकर के आए हैं तभी खर्चा बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखो एवरेज जो है क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एवरेज डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये तो क्लियर है कि ये अपने साथ जो 7 बंदे आए हैं
कम लेकर के आए हैं और उसको फिर क्या करेंगे, 35 लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि मेरे से ले लो इक्वल हो जाओ, मेरे से ले लो कुछ अमाउंट और तुम भी हमारे इक्वल हो जाओ। तो डिस्ट्रीब्यूट वो कितना कर रहे हैं, इनको दे कितना रहे, तो भाई हर एक बंदा 4-4 रुपए दे रहा है, लेकिन टोटल बंदे हैं कितने, तो टोटल बंदे हैं 35। तो टोटल कितना देंगे, कितने रुपए देंगे, तो 5 × 20 = 12 × 2 = 14, मतलब टोटल 140 रुपए ये 35 बंदे 7 नए बंदों को देंगे कि भाई ले लो तुम हमसे और हमारे इक्वल आ जाओ। इतना समझ में आया, अभी तक की कहानी वही चल रही है जो हमने पहले समझा रखा है, ठीक है। अब देखो ये 7 बंदे जो है अपने साथ 630 तो ले ही आए थे, ठीक है, प्लस ये 140 जो है ये 35 बंदे इनको और दे दिए कि भाई लो तुम हमारे इक्वल हो जाओ, ठीक है। तो ये इक्वल होने के लिए इन्होंने ले लिया है, तो इक्वल होने के लिए ले लिया तो कितना टोटल अमाउंट बना, 4 × 3 = 6 × 1 = 770 रुपए, ठीक है। अब ये जो 770 रुपए टोटल, ठीक है, ये जो 7 हैं ये आपस में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। भाई टोटल ये 770 रुपए सातों के पास है टोटल, लेकिन हर एक बंदे के पास कितना, अगर मैं पूछूं हर एक बंदे के पास कितना है, तो आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे 7 से, कितना है 110 रुपए। हर एक बंदे के पास क्या है आपका, 110 रुपए, मतलब ऑन एन एवरेज क्या हो गई आपकी, 110 रुपए। ये 110 रुपए ऑन एन एवरेज है कि कब, 7 बंदे जब आ जाते हैं तब है, क्लियर ये चीज। मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारी एवरेज बाद में क्या हो गई होगी, 110 रुपए, ठीक है। अब देखो एवरेज क्या है, घट रही है, 4 रुपए से घट रही है, मतलब पहले क्या रही होगी हमारी एवरेज, तो पहले हमारी एवरेज 114 रुपए रही होगी, तब तो 4 रुपए घट के 110 रुपए हो गए, क्लियर ये चीज। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, फाइंड एवरेज ऑफ 35 स्टूडेंट, तो 35 स्टूडेंट है उनका एवरेज यहाँ से आ गया क्या है, 114 रुपए उनकी एवरेज है, ये चीज क्लियर हो गई आपको, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, बस आपको यहाँ पे ये समझना था कि देखो जो 630 रुपए ला रहे ये सात, जो बढ़ रहा है एक्सपेंडिचर, ये किसकी वजह से बढ़ रहा है, तो जो 7 नए आए हैं उन्हीं की वजह से वही ला रहे अपना, ठीक है। प्लस ये कम हो रहा, मतलब हर 3500 बंदे अपना 4-4 रुपए, मतलब टोटल 140 रुपए इन 7 बंदों को दे दिए कि भाई ले लो तुम मेरे से और हमारे इक्वल हो जाओ। तो हम इक्वल बनाने के लिए जब दे दिया तो ऐड कर दिया हमने, टोटल इनके पे अमाउंट कितना है, 770 रुपए। तो इन सातों पे जो है 770 रुपए आ गया है। अब हमें हर पे देखना है कि भाई पर बंदों पे कितना रुपए है, तो डिवाइड कर दोगे आप 7 से, तो फिर आपका आ जाएगा 110 रुपीज पर बंदे को मिला है इनको बाद में एवरेज, तो ऑन एन एवरेज बाद में 110 हो गया। अब देखो 4 रुपए कम था एवरेज, तो पहले कितना रहा होगा, 114 रुपए रहा होगा, क्लियर है चीज, समझ में आई बात। इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं नेक्स्ट मेथड जो इसके पहले अभी बताया था ट्रेडिशनल वाले, उससे करते हैं, ट्रेडिशनल ही का हो गया, आप उसको कह सकते हो क्या ट्रेडिशनल भी, तो उससे हम लोग ट्राई करते हैं कि उससे कैसे करेंगे। देखो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उस तरीके से भी आपके इजीली सॉल्व हो जाते हैं, इसीलिए मैं बता दे रही हूँ कि अकॉर्डिंग टू द डेटा जो आपको सूटेबल लगेगा आप उससे एग्जामिनेशन में सॉल्व कर देना। अगर इजी डेटा आता है तो आप इसमें कंफ्यूज हो ना हो, इससे बेटर आप उसी से कर देना, ठीक है। अगर पॉइंट वगैरह में आता है तो आप इससे अप्रोच करना, फिर इससे बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं रब कर देती हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट क्या इसी को सॉल्व करेंगे। ये तो हमें पता चल गया ना, यहाँ पे 114 हमारा है, ठीक है, इतने में ही हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि भैया एवरेज एक्सपेंडिचर मेड बाय 35 स्टूडेंट इन हॉस्टल इज रिड्यूस बाय ₹4। तो पहले हमारे हॉस्टल के हमने मान लेते हैं कि कुछ एवरेज खर्चा रहा होगा हॉस्टल का हमारे, तो कितना रहा होगा, लेट एक्सपेंडिचर ऑफ हॉस्टल ₹X, ठीक है, एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ, ठीक है, लेट एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ हॉस्टल इज ₹X, हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो टोटल स्टूडेंट हैं कितने, तो 35, जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है बिल्कुल वैसे वैसे हम लोग करते जा रहे हैं। तो 35 स्टूडेंट हैं टोटल, और हर एक बंदा ₹X खर्च कर रहा है, तो टोटल खर्चा आ कितना रहा है, तो 35 × X, दैट मीन 35 X से टोटल खर्चा आ रहा है,
क्लियर है चीज, समझ में आया? इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है कि भाई सात नए बंदे और आते हैं, तो जब सात नए बंदे और आ जाते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो पहले 35 थे और सात आ गए, तो टोटल बंदे है वो कितने गए, तो 35 + 7 टोटल बंदे इतने हो गए, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इसकी वजह से ना आपका एवरेज जो है रिड्यूस हो जाता है, 4 एवरेज जो है 4 रिड्यूस हो जाता है। तो पहले हमारा एवरेज था कितना, एक्स, अब क्या हो जा रहा है, 4 रिड्यूस हो जा रहा है। अब क्या हो रहा है, 4 रिड्यूस हो जा रहा है। इतना समझ में आया कि भाई अब टोटल बंदे कितने हैं, 7 और ऐड हो गए, मतलब 35 + 5 = 6 = 7 42 टोटल बंदे हो कितने गए, 42। तो अब 42 बंदों का खर्चा एवरेज ऑन एन एवरेज कितना है, एक्स माइनस 4 है हर एक बंदे का, तो टोटल खर्चा कितना आ जाएगा, 42 × x - 4। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो ये जो है एंड टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय ₹630, तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो क्या हो रहा है, ₹630 से इंक्रीज हो रहा है। अच्छा ये इंक्रीज हो क्यों रहा है, क्योंकि ये 7 नए बंदे आए हैं तभी इंक्रीज हो रहा है। तो क्या करो आप, या तो ये जो 35x स्टार्टिंग वाला है उसमें क्या करो आप, ₹630 ऐड कर दो, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा कि भाई बाद में जो बंदे आ गए हैं उसके बाद वो जो नंबर होगा उनके इक्वल आ जाएगा, दोनों तो सेम नंबर दे रहे हैं ना। ये भी आपका 42 जो भी स्टूडेंट आ रखे हैं उनका एवरेज खर्चा आ गया, मतलब पूरा टोटल खर्चा आ गया, और ये भी आपके 42 स्टूडेंट का टोटल खर्चा आ गया, तो ये आप इक्वल कर लोगे, ठीक है। और या तो आप क्या करना, यहाँ पे जो आपका ये वाला राइट हैंड साइड वाला है उसमें से 630 माइनस कर देना जो टोटल खर्चा है दे रहा है। क्यों इसमें माइनस करोगे, क्योंकि ये 7 जो ले आए हैं ये एक्स्ट्रा ले आ रहे हैं ना, तो आपको 35 के अगर इक्वेट करना पड़ेगा तो हमें ये जो एक्स्ट्रा वाला खर्चा आ रहा था उसको माइनस करना पड़ेगा, वही ये माइनस जाके ये इधर क्या होता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। तो आप चाहे इधर प्लस कर दो या उधर माइनस कर दो, जैसे भी आपको सही लगे आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। अब इसको सिंपल आप सॉल्व कर लो, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, आपकी 114 आएगी। देखो क्या है, यहाँ पे 35x है प्लस 630 इज इक्वल टू 42 और x माइनस 4, ठीक है। अब ये 35x है, ये 42x है, 35 आपका इधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7x, भाई जो यहाँ 7 था वो क्या हो जाएगा, 7x यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 630 तो है ही, अब ये आपका माइनस में 42 × 4 है, तो इधर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 4 × 2 = 8, 4 × 4 = 16, तो टोटल क्या आ जाएगा आपका, 8 × 6 = 9 और ये 6 × 7 798, ये आपके 7x की वैल्यू आ गई। अब आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या करोगे, 798 डिवाइड बाई 7 क्या आएगा आपका, 7 × 7 = 7, 7 × 4 = 28, तो आपका एवरेज क्या आ जाएगा, ₹114। क्लियर ये चीज, और यहाँ भी आपका क्या एवरेज आया था, ₹114। क्लियर ये चीज, समझ में आ गया ना आप लोगों को, चलो इसको नोट डाउन कर लो। देखो ये तरीका भी आपका ट्रेडिशनल, जैसे जैसे आपके क्वेश्चन में बोलता गया बस हमने वही करा है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया ना, चलो इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर करेंगे और फिर समझेंगे, फिर से मैं आपको नहीं होगा तो इस तरीके से भी बताऊंगी और एक बार आपको ट्रेडिशनल वे से फिर से बता दूंगी, जिससे आपको अच्छे तरीके से दोनों मेथड समझ में आ जाए, ठीक है। देखो जिन लोगों को समझ में आ गया है बहुत अच्छे, अच्छी बात है, जल्दी समझ में आ गया है, लेकिन आप प्लीज उनको भी कोऑपरेट करो जिनको थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है, तो इसलिए मैं क्वेश्चंस ज्यादा वैरायटी लेती हूँ और फिर सॉल्व कराती हूँ, जिससे आपके संग संग जो और लोग भी हैं वो भी सीख सकें, ठीक है। आप फिर क्या करना, बाद में आप वीडियो फॉरवर्ड करके देख लिया करो, अब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी बच्चा सीखने आया है उनको भी सीखने दो, ठीक है। चलो आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर मैं हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इस पे, चलो इसको मैं रब कर देती हूँ। अब इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन आ गया होगा, एकदम इसी पे बेस्ड है, आप लोग उसको ट्राई करो, ट्राई करो फटाक से, आप लोग आंसर दो हमें कि आपका आंसर क्या आया है। जल्दी से करो, बिल्कुल इसी पे बेस्ड है,
दोनों तरीका जो भी आपको समझ में आए आप उससे पहले अटेम्प्ट करो, आप देखो आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो क्या आ रहा है आप मेरे को कमेंट करके फटाक से बताओ, फिर हम लोग देखें ठीक है आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, और फिर अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप फिर हाँ देखो कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है और आगे हमारे साथ फिर से उसको सीखो समझो ठीक है, और फिर ट्राई करो। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते क्या बोला, एवरेज एक्सपेंडिचर मेड बाय 42 फ्रेंड्स इज इंक्रीज बाय ₹5 एंड टोटल एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय ₹1130। 42 फ्रेंड है उनका एवरेज एक्सपेंडिचर ₹5 बढ़ जा रहा है और जो टोटल एक्सपेंडिचर है ना वो क्या हो रहा है ₹1130 बढ़ रहा है। व्हेन एक्सपेंडिचर ऑफ 8 न्यू फ्रेंड्स आर एडेड, जब 8 नए फ्रेंड्स आए उनका एक्सपेंडिचर एड किया जा रहा है, तो अब बताओ फाइंड द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ 42 फ्रेंड्स। तो जो 42 फ्रेंड्स हैं उनका एक्सपेंडिचर आपको बताना है कि क्या है, बताओ आप कैसे करोगे। देखो जैसे इसके पहले था बिल्कुल वैसे ही है, बस इसमें क्वेश्चन में क्या लास्ट में दिया है ध्यान से पढ़ना कि इसमें बोला है कि टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ 42 फ्रेंड, इसमें एवरेज नहीं पूछा है आपसे, अभी तक एवरेज पूछ रहा था, तो क्वेश्चन जो आपसे पूछे ना वो आप ध्यान से पढ़ो कि क्या पूछ रहा है। इसमें आपका पूछा है कि टोटल एक्सपेंडिचर बताना है, एवरेज नहीं बताना, तो पहले आप मेरे को एवरेज बताओ कि एवरेज आपका क्या है, फिर तो आप एक्सपेंडिचर इजिली निकाल लोगे। देखो क्या कह रहा है कि भाई 42 फ्रेंड है ठीक है, उनका कुछ एवरेज रहा होगा ठीक है। अब क्या हो रहा है ना कि 8 फ्रेंड आ रहे हैं ना, और हाँ 8 नए और जब फ्रेंड आ जाते हैं तो टोटल जो एक्सपेंडिचर है ₹1130 से बढ़ जाता है, और क्या होता है ये जो एवरेज है ना वो भी क्या हो रहा है ₹5 से बढ़ जा रहा है। तो जब एवरेज ₹5 से बढ़ रही है इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया जो 8 लोग आए हैं ना वो ज्यादा अमाउंट लेकर के आए हैं, और वो अपना अमाउंट क्या किए हैं इन 4200 लोगों को बांट दिए हैं, इतना क्लियर है। अच्छा कितना बांटे हैं 42 लोगों में, तो भाई हर एक बंदे पे 5 बढ़ा है ठीक है, 4200 लोगों को ₹5 दिए हैं तो कितना दिए टोटल, 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 20, 1 = 21, दैट मीन्स ₹210 उन्होंने क्या किया इन 8 लोगों ने 42 लोगों में बांट दिया कि भाई तुम ले लो और हमारे इक्वल आ जाओ, क्लियर ये चीज। अब देखो लेकर के कितना है थे ये टोटल ₹1130 ठीक है, उन्होंने क्या किया 210 बांट दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे 210 माइनस कर देंगे, क्लियर है जी इसकी, क्यों हमने माइनस किया क्योंकि ये 210 अपना अपने से दे रहे बांट रहे हैं ठीक है। अब देखो क्या बचा, 03 में से 1 गया 2, 11 में से 2 गया 9, बचा कितना 920 ठीक है। अब देखो 920 आपका बच गया, अब ये 920 जो है पूरा 8 लोगों का क्या है आपका, हाँ ये जो टोटल है 8 लोगों का अमाउंट है ठीक है ₹920 ठीक है। अब पर बंदे एवरेज कितना है, तो पर बंदों पे क्या आ जाएगा, तो आप बोल दोगे 920/8, ये आ जाएगा आपका हर एक बंदे पे ऑन एन एवरेज, यहाँ पे खर्चा कितना हो रहा बाद में ठीक है, 42 + 8 सबका खर्चा कितना बाद में हो रहा है। तो अब इसको काट लो, कैसे काटोगे, पहले 4 से काटते हैं, 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8, 1 = 9, 4 × 3 = 12, 0, फिर 2 से काट लेते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2 = 3, 2 × 5 = 10, तो आपका क्या आ गया ऑन एन एवरेज 115 आ गया। मतलब 8 लोग जब आते हैं तो एवरेज क्या हो जाता है 115। अब देखो ये एवरेज 115 आया कब, जब 5 बढ़ा है ₹5, तो पहले कितना रहा होगा ₹110, तो एवरेज पहले क्या रहा होगा ₹110। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि भैया 42 जो फ्रेंड है ना उनका टोटल एक्सपेंडिचर बताओ, तो 42 फ्रेंड है उनका एवरेज आ गया आपका ₹110, तो टोटल एक्सपेंडिचर आप नहीं निकाल लोगे, बताओ टोटल एक्सपेंडिचर क्या आ जाएगा। देखो हर एक बंदा है ठीक है, हर एक बंदा ₹110 खर्च कर रहा है, तो 42 लोग कितना खर्च करेंगे, तो 42 × 110 कर दो, क्यों, क्योंकि हर एक बंदा 4200 लोग ₹110 खर्च कर रहे हैं, क्या आएगा आपका ये 2 × 4 = 6 और ये 4 = 6 = 20, क्या आएगा आपका 4 = 6 = 20, इतना रुपए क्या हो रहा है टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा है 42 लोगों का, क्लियर ये चीज, इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन करो, फिर आप लोग ट्राई करो सेकेंड वाला मेथड जो मैं बोल रही हूँ उससे आप लोग का होता है कि नहीं होता है ठीक है।
फिर मैं बताती हूँ उसको भी। चलो इसको एक थोड़ा सा रब कर देती हूँ मैं यहां तक। जी, समझ में आई ना आपको? ठीक है, देखो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि टोटल लोग हैं कितने, तो 42 फ्रेंड हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि 42 फ्रेंड कितना एवरेज खर्चा कर रहे हैं, तो एक्स रुपए, ये हम मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है, एवरेज एक्सपेंडिचर, तो टोटल खर्चा हो कितना रहा 42 फ्रेंड का, तो 42x, ये टोटल खर्चा हो रहा है 42 लोगों का। ठीक है, 42 फ्रेंड का। अब क्या हो रहा है ना इसमें कि 8 फ्रेंड ऐड हो जाते हैं, तो 42 में है पहले और इसमें 8 फ्रेंड और ऐड हो जाते हैं, तो इस कंडीशन में ऑन एन एवरेज फ्रेंड इज इंक्रीज इन एवरेज, जो है क्या हो रहा है, 5 रुपए बढ़ जा रहा है। तो पहले एक्स रुपए खर्चा होता था एवरेज, अब 5 रुपए और हो रहा है। क्लियर है चीज? यही चीज दे रखी है ना आपको। ठीक है, अब देखो कि इंक्रीज बाय जो टोटल खर्चा है ना, वो भी क्या हो रहा है, 1130 रुपए बढ़ रहा है। तो टोटल जो खर्चा है वो भी 1130 रुपए बढ़ रहा है, कब, जब ये 8 लोग आ रहे हैं तब, इस कंडीशन में। तो मतलब अगर हम इसमें से 1130 रुपए माइनस कर देंगे, तब हमें स्टार्टिंग में जो अमाउंट था 42 लोग खर्च कर रहे थे उसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? या फिर हम क्या करेंगे कि भाई ये जो 1130 रुपए, ये 8 लोग जो है वो आए हैं तब खर्चा हो रहा है, तो पहले जो हमारा नेट हो रहा था खर्चा 42x टोटल, उसमें हम क्या करेंगे, 1130 रुपए जब हम ऐड कर देंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि क्या भाई हमारा इक्वल आ जाएगा किससे, जो 8 लोग नए आ गए हैं उनके उनका जितना पूरा खर्च हो रहा है x प्लस 5 इंटू ये एवरेज था और ये टोटल बंदे हो गए, तो उनका जो टोटल खर्च हो रहा है वो इसके इक्वल आ जाएगा और हम इक्वेट कर देंगे। क्लियर है चीज? अब इसको आपको सॉल्व कर देना है। तो 42 और 8 50 हो गया। ठीक है, अब ये 42x है, ये 50x है, 42x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8x इज इक्वल टू व्हाट, ये 1130 रुपए है और ये एक मिनट, हाँ ये कितना, 50 इंटू 5, तो मतलब सॉरी इधर जाएगा तो आपका माइनस में आ जाएगा ना, ये प्लस प्लस है, हाँ तो ये 25, 250 माइनस कर दोगे तो ये 0, 13 में से 5 गया तो ये 8 हो जाएगा, और ये 10 में से 2 गया तो क्या आ जाएगा, 880 हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 880 अपॉन 8 बराबर क्या आ जाएगा, 110 रुपए। तो मतलब ऑन एन एवरेज खर्चा कितना था 42 लोगों का, 110 रुपए। यहाँ पे क्या आया था आपका, 110 रुपए। क्लियर ये चीज? इसको भी नोट डाउन कर लो आप लोग। अब देखो इसमें पूछा क्या है कि टोटल एक्सपेंडिचर पूछ रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर बताना है, तो आप क्या करोगे टोटल एक्सपेंडिचर के बारे में, जितने नंबर है टोटल 42 इंटू 110 कर दोगे तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल खर्चा कितना हो रहा है, ये आ जाएगा। समझ में आई बात? इसको नोट डाउन करो फटाक से, फिर इसको नोट डाउन करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसको मैं रब कर देती हूँ, ठीक है, इसको मैं रब करती हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे आ गया होगा, आप लोग उसको ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पे आ गया है, आप लोग उसको ट्राई करो और लाइक भी करते चलो, और बता दो कमेंट करके भाई आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चीजें मजा आ रही है कि नहीं पढ़ने में, ये सब थोड़ा बताते चला करो। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एवरेज स्कोर ऑफ बैट्समैन इन 24 इनिंग इज रिड्यूस्ड बाय 3 रन व्हेन स्कोर ऑफ नेक्स्ट 5 इनिंग्स आर इंक्लूडेड, टोटल स्कोर ऑफ नेक्स्ट 5 इनिंग्स इज 308 रन, फाइंड एवरेज स्कोर इन 29 इनिंग्स। तो आपका जो 24 इनिंग है वो क्या हो रहा है, जब 5 नया और इनिंग ऐड हो रहा है ना, तो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है एवरेज 3 रन से, और जो नेक्स्ट जो 5 इनिंग में रन बना है वो है 308। तो आपको बताना है कि 19 इनिंग तक टोटल ऑन एन एवरेज कितना रन है, ये भी कर लोगे, बिल्कुल उसी पे बेस्ड है। ठीक है, जल्दी से करो आप लोग, बताओ मेरे को, इसको तो आप लोग कर ले जाओगे अच्छे से, ये बस ध्यान देना इसमें 24th इनिंग का नहीं पूछा, इसमें 29th वाले का ही पूछा है, तो आप
इसको इजिली कर लोगे। देखो क्या कह रहे हैं, 24 इनिंग है, 24 इनिंग में कुछ एवरेज रहा होगा, ठीक है, कुछ एवरेज रहा होगा। फिर क्या हो रहा है, 5 नई इनिंग ऐड हो जाती है, तो क्या हो रहा है, जब 5 नई इनिंग ऐड हो जा रही है तो 24 + 5 = 29 इनिंग, ठीक है, 29 इनिंग यहाँ पे हो गई। अब क्या हो रहा है, ऑन एन एवरेज 3 रन रिड्यूस हो जा रहा है, 3 रन रिड्यूस हो जा रहा है, और ये 5 इनिंग थी उसमें टोटल रन कितना था पांचों इनिंग में, तो 308 रन बना था पांचों इनिंग में, कितना बना था 308 रन, ठीक है, यहां तक समझ में आया, ठीक है। मतलब ये क्लियर है कि 308 रन जो 5 लोग लेकर के आए थे, क्लियर। अब देखो जो है रिड्यूस हो रहा है रन, रिड्यूस हो रहा मतलब ये जो 308 लोग लेकर के आए थे ना, ये कम लेकर के आए थे, तो तभी तो 24 लोगों ने अपना जो भी रन है दे दिया इन लोगों को, कि कहा भाई तुम मेरे से ले लो और हमारे इक्वल हो जाओ, क्लियर। अब दिया कितना, 24 लोगों ने बांटा कितना, तो हर एक बंदे ने 3 रन दिया है, तो 24 लोगों ने टोटल रन कितना दिया है, तो 4 × 3 = 12 × 3 = 7 = 72 रन 24 लोगों ने किसको दे दिया है, इन 5 लोगों को दे दिया, कि भाई 5 लोग तुम लोग हमारा 72 रन ले लो और हमारे इक्वल आ जाओ, ठीक है। तो कितना हुआ, 8 × 2 = 10 × 7 = 380, तो रन कितना टोटल हो गया 380। अब ये जो 380 रन है ये टोटल दिया किसको, टोटल ये रन हुआ किसका है, तो ये 5 लोगों का तो हुआ है, टोटल 5 लोगों का 380 रन हो गया, तो हर एक बंदे को कितना मिलेगा, हर एक इनिंग है यहाँ पे बात वही समझ लो, बंदा हो इनिंग या कुछ भी हो, तो हर एक को कितना, हर एक इनिंग में क्या आएगा, तो 380/5 कर दोगे, तो ऑन एन एवरेज हर एक इनिंग का रन आ जाएगा 5 × 7 = 35 × 5 = 30, मतलब 29th इनिंग में यहाँ पे क्या रहा होगा, ऑन एन एवरेज रन 76 रहा होगा, क्लियर। इन 5 लोगों का क्या है, 76 है, तो जो 24 लोग है बाकी सब बांट भी दिए, तो इनका भी तो बांटने के बाद क्या 76 ही तो आया है, मतलब सबका 29th इनिंग तक ऑन एन एवरेज क्या रहा होगा, 76 रन रहा होगा। अगर आपसे यही पूछता है 24 इनिंग तक बताओ तो आप क्या करते, तो भाई ये यहाँ पे कुछ रहा होगा, जब 3 रन डिक्रीज हुआ तब जाके 76 हुआ है, तो फिर क्या होता उस कंडीशन में, यहाँ पे 79 रन होता 24 इनिंग में उसका एवरेज रन, क्लियर ये चीज, इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका जो बेसिक है, जो ट्रेडिशनल मेथड इसके पहले मैं बता रही थी, उसको आप लोग खुद से ट्राई करना, ठीक है, खुद से ट्राई करना नहीं होगा तो आप एक बार फिर से मेरा वीडियो देखना, आप जरूर से फिर कर ले जाओगे एक बार, बस आप खुद से ट्राई करना इसका, और करना जरूर से, आपको आंसर अभी पता चल गया है तो इसलिए आप लोग जरूर से ट्राई करना उसको, ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलो इसको मैं रैप कर देती हूँ, ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा, आप लोग पहले पढ़ो उसको, समझो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद फिर आगे प्रोसीड करो। सारे क्वेश्चंस आपके एवरेज के इसी तरीके से हो जाएंगे, ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, बस आप देखो क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है और आप इजिली कर ले जाओगे। बाकी जैसे जैसे क्वेश्चंस आते रहेंगे धीरे धीरे हम लोग भी डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे आपका, बस मैं अभी आपको जो थोड़ा स्लो चल रही हूँ, क्यों, क्योंकि जिससे आप अच्छे से कर सको क्वेश्चंस को, जितना भी हो रहा आप अच्छे से समझ के कर सको, क्योंकि यहाँ पे मेरा भी आपका मोटिव है कि समझाना, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं सॉल्व कराना, बस आप अच्छे से समझ जाओ कंसेप्ट, आप क्वेश्चन खुद कर ले जाओगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एवरेज एक्सपेंडिचर मेड बाय 8 फ्रेंड्स इन अ कैंटीन इज ₹72, ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑफ 9th फ्रेंड इज ₹20 मोर देन एवरेज, देन फाइंड एक्सपेंडिचर ऑफ 9th फ्रेंड। क्वेश्चन समझा आपने, क्वेश्चन में देखो एक चीज ध्यान से इसमें समझना, लैंग्वेज में ये थोड़ा आप हेर फेर हो सकता है आपके, कुछ लोग क्या करेंगे ना कि 9th फ्रेंड का देखेंगे कि एवरेज से 20 ज्यादा है, तो क्या करेंगे कि एवरेज दे रखा है 72 तो उसमें 20 ऐड कर देंगे, तो बोल देंगे 92 आंसर है,
बट 92 आपका आंसर नहीं है, ठीक है। फिर क्या है देखते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना कि जब नाइन्थ फ्रेंड आ जा रहा है, इंक्लूड हो जा रहा है, तो फिर जो एवरेज बन रही है ना उससे 20 ज्यादा है, उससे 20 ज्यादा है, ठीक है। तो क्वेश्चन पहले आप ध्यान से समझना। देखो आठ फ्रेंड है कैंटीन में गए, ऑन एन एवरेज सबका 72 रुपए खर्चा आ रहा है, क्लियर। अब क्या हो रहा है कि भाई नाइन्थ फ्रेंड मतलब जो नौवां फ्रेंड है, एक और फ्रेंड आता है, नाइन्थ फ्रेंड आता है, ठीक है। अब नाइन्थ फ्रेंड जो है ना उसका क्या है, तो वो जो एवरेज है इससे 20 ज्यादा है। ये जो एवरेज है नाइन्थ फ्रेंड का एज क्या है, ये जो एवरेज है 8 टोटल स्टूडेंट 8 फ्रेंड प्लस 9, इनका जो एवरेज है उससे 20 ज्यादा है ये नाइन्थ वाला, ठीक है। तो हमने एवरेज क्या मान लिया, एक्स है, तो ये जो नाइन्थ फ्रेंड का है एक्स प्लस 20 मतलब इससे 20 ज्यादा है। क्वेश्चन समझ में आया, समझ में आ गया ना। अब देखो करते हैं हम लोग कि देखो ये जो नवा फ्रेंड आया है तो एवरेज से 20 ज्यादा ले आया है अमाउंट, ठीक है। तो ये 20 अमाउंट ज्यादा लाके करेगा क्या, क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। किनको करेगा, तो भाई इन आठ लोगों को करेगा। इतना समझ में आया, किनको करेगा, आठ लोगों को करेगा। अब ये क्या किया है, 20 अपना रुपए जो भी है इन आठ लोगों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो ये क्या किया, 20 रुपए आठ लोगों पे डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो हर एक बंदे पे कितना रुपए डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो अपॉन 8 कर दोगे, हर एक बंदे पे पता चल जाएगा कि कितना रुपए इसने डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। 8 × 16 और 16 × 4 = 20 और 8 × 5 = 40, ठीक है। तो मतलब हर एक बंदे पे उसने 2.5 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये चीज क्लियर हुई आपको, मतलब ठीक है, इन पे आठ पे पहले 72 रुपए थे, अब क्या हुआ है, ये जो नौवा फ्रेंड आया है ना, सभी बंदों को आठों बंदों को क्या किया है, ऑन एन एवरेज 2.5 रुपीज दिए हैं, सबको क्या किया है 2.5 रुपीज दिए हैं और कहा है कि भाई मेरे इक्वल आ जाओ, ठीक है। तो जब इसमें 2.5 आप ऐड करोगे तो आपका एवरेज क्या बन जाएगा, 74.5, क्या आ गया आपका 74.5, मतलब ये जो 9 टोटल 9 फ्रेंड है अब उनका खर्चा क्या आ गया, तो 74.5, क्लियर ये चीज। क्यों 74.5 आया, समझ में आ गया ना कि भाई ये जो 20 रुपए एक्स्ट्रा लेकर के आया था ये आठों लोगों में बांट दिया है, हर एक को 2.5 रुपए मिला है और कहा है कि लो तुम 2.5 रुपए ले लो, तुम आठों लोग, पहले 72 था इनका एवरेज, तुम लोग 2.5 रुपए ले लो और हमारे एवरेज के इक्वल आ गया, दैट मीन 74.5 आ गया अब सबका नौ फ्रेंड का एवरेज, ठीक है। अब क्या पूछा है कि भाई नाइन्थ जो था ना, नाइन्थ वाला फ्रेंड था उसका एक्सपेंडिचर क्या है, तो भाई नाइन्थ वाले का एक्सपेंडिचर क्या है आपका, तो ऑन एन एवरेज जो है 74.5 उससे 20 रुपए ज्यादा है ना, 20 रुपए ज्यादा वो खर्च कर रहा है, तो क्या करोगे आप, 20 रुपए ऐड कर लोगे, क्या हो जाएगा 7 × 9 = 94.5 रुपीज, मतलब आपके नाइन्थ फ्रेंड का खर्चा कितना आ जाएगा, तो 94.5 रुपीज, क्लियर ये चीज। इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, इसको नोट डाउन करो, फिर मैं इसको अभी आपको फिर से बेसिक से बताती हूँ कि इसको भी बेसिक से कैसे कर सकते हैं। नोट डाउन कर लिया आपने, रब कर दूं, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। देखो क्वेश्चन में बहुत माइनर चेंज होगा, कुछ कुछ जगह थोड़ा थोड़ा बहुत माइनर चेंज होगा, लेकिन इसी में घूम फिर रहे हैं अभी हम लोग, इसी में कहीं कभी कुछ तो कभी कुछ निकाल रहे हैं, अभी हम लोग इसी में सीख रहे हैं। इसमें अगर हम अच्छे से सीख लेंगे फिर हम लोग और आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो इसको हम लोग देखते हैं, अब इसको कैसे एक जो हमारा बेसिक है उससे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपको समझ में आया, इतना मैं रब कर देती हूँ, ठीक है। देखो तो आप अज्यूम कर लो क्या कि टोटल जो नौ फ्रेंड है, टोटल नौ फ्रेंड उनका एवरेज पहले आप अज्यूम कर लो, क्या आप सपोज कर लो, लेट द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ टोटल नाइन फ्रेंड्स
टोटल 9 फ्रेंड्स इज इक्वल टू एक्स रुपए, ठीक है, ये आप अपनी तरफ से अज्यूम कर लो, ठीक है। अब देखो टोटल 9 फ्रेंड्स का आपने एवरेज मान लिया एक्स रुपए खर्चा है, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ पे 8 का आपको दे रखा है कितना, 72, ठीक है। तो 8 लोगों का एवरेज है 72, तो टोटल 8 लोगों का खर्चा कितना है, तो 8 × 72 टोटल 8 लोग का खर्चा आ गया, ठीक है। प्लस 9वें फ्रेंड का खर्चा कितना है, 8 का यहाँ पे आ गया, 9वें फ्रेंड का खर्चा कितना है, तो जो टोटल 9 फ्रेंड मिलाने के बाद जो एवरेज खर्च हो रहा है ना, उससे 20 ज्यादा है, तो x प्लस 20 डिवाइड कर दो किससे, 9 से। क्यों डिवाइड करा, समझ में आ रहा है। देखो आपके एवरेज का तो फॉर्मूला यही होता है ना, कि एवरेज का फॉर्मूला क्या मैंने आपको बताया था, कि आपके जो सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, यहाँ पे 8 नंबर्स का एक्सपेंडिचर प्लस यहाँ पे 9वें नंबर का एक्सपेंडिचर अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो टोटल नंबर है कितने, तो टोटल 9 हमारे नंबर है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू व्हाट, आपका एवरेज, जो कि हमने क्या मान रखा है, एक्स के इक्वल। क्लियर है चीज, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर दो कैसे, ये 9x है, ये x है, आपका 9x हो जाएगा यहाँ से और x इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 8x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 8 × 16, ठीक है, और 8 × 7 = 56, 56 × 1 = 57, और ये इसमें 20 ऐड करोगे 7, तो टोटल कितना आएगा, 596 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 596/8, नीचे आप लोग को दिख रहा है ना, 4 × 2 = 8, पहले 4 से काटते और 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, 9 × 4 = 36, फिर 2 × 7 = 14, 2 × 4 = 8, 1 × 9 = 10, तो आपका एवरेज क्या आ जाएगा, 74.5 आ गया। देखो यहाँ भी हमारा 74.5 आया था। अब आपका पूछा 9th नंबर, जो कि इस एवरेज से 20 ज्यादा है, तो आपका 9th नंबर क्या आ जाएगा, यहां से लिख लो, 9th नंबर क्या आ जाएगा, एवरेज कितना निकाला आपने, 74.5 प्लस कर दो आप 20, कितना आ जाएगा, 94.5, ये आपका 9th नंबर आ गया। क्लियर है चीज, इसको आप इस तरीके से ट्रेडिशनल मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। इसको नोट डाउन कर लो आप लोग फटाक से, इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसको रब कर देती हूँ अब मैं, ठीक है, इसको रब कर देती हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं बता दो आप मेरे को एक बार कमेंट करके, कि आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है। इसको मैं रब करती हूँ, फिर इसी पे बेस्ड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब एक क्वेश्चन आ गया होगा, आप लोग उसको ट्राई करो, जल्दी जल्दी आप लोग ट्राई करो, सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, आप पे टाइम नहीं है, ठीक है। देखो जल्दी जल्दी सॉल्व करोगे तो आपका एक हैबिट बन जाएगा कि एग्जामिनेशन में आपको पेपर तुरंत क्वेश्चन दिखते ही सॉल्व करने की, ठीक है। तो अभी से प्रैक्टिस आपकी यहीं से तो होती है, ऐसा तो है नहीं कि आप एग्जामिनेशन में तुरंत प्रैक्टिस करोगे, उसी दिन प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस आपका ऐसे ही स्टार्ट होती है कि मैं पढ़ा रही हूँ तो तुरंत आप क्वेश्चन सॉल्व करो, तो यहीं से आपकी धीरे धीरे प्रैक्टिस बनेगी, बेस यहीं से मजबूत होता है, ठीक है। तो जैसे ही क्वेश्चन आपको दिखा करे आप तुरंत उसको सॉल्व करा करो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एवरेज स्कोर ऑफ अ बैट्समैन एट द एंड ऑफ 27th इनिंग इज 81 रन। इसमें भी वही है कि 27 इनिंग में दे रखा है एवरेज स्कोर 81 रन। अब बैट्समैन क्या किया है कि 54 रन लेस बनाया है देन एवरेज से, ठीक है। 28वें इनिंग में क्या किया है, 54 रन लेस बनाया है जो 28 इनिंग के बाद एवरेज रहा होगा उससे, तो 28वें इनिंग में उसका स्कोर क्या है ये आपको बताना है। बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है, चलो आप लोग करो। क्या कह रहा है देखो कि बैट्समैन है, ठीक है, 27 इनिंग पहले खेली जाती है, उसमें उसका एवरेज है क्या 81 रन, उसमें उसका एवरेज है 81 रन। अब जो है 28वें इनिंग में 28 + 28, ठीक है, बोला जो 28th इनिंग है ना
वो क्या है, जो आपका ये जो कुछ एवरेज रहा होगा, एवरेज कुछ रहा होगा, उससे क्या है 54 कम है ना, हाँ 54 रन लेस है, उससे 54 रन लेस है। तो ये आपका पूरा गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। इसके पहले ज्यादा था, देखो जब ज्यादा था, जब आप पे ज्यादा रुपए थे तो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया था, आपने आप पे कम है तो आपने लिया था दूसरे से, इससे भी इस पे भी कम है तो इसने भी दूसरे से लिया है। कितने लोगों से लिया है, कितना लिया टोटल 54 रुपए लिया है, 54 रन लिया है, तो 54 रन लिया किससे है, तो 27 लोगों से टोटल लिया है, ठीक है। समझ में आया क्या करना है, तो देखो 54 रन थे टोटल, ठीक है, 54 रन इसने 27 लोगों से लिए, तो ऑन एन एवरेज रन उसने कितना लिए हर एक बंदे से, तो कितना बन लिए हैं, तो आप 27 से डिवाइड कर दोगे, 7 × 14 = 2 × 4, 27 से दो बार में कट रहा है, तो मतलब ऑन एन एवरेज 2700 बंदों से क्या हुआ है, 28वां इनिंग वाला दो दो रन सबसे लिया है और ले करके एवरेज के इक्वल आया है। क्लियर ये चीज, दैट मींस आप जो 81 रन था उससे आपका जो एवरेज आएगा बाद वाला वो दो रन कम होगा। क्यों कम हो रहा, समझ में आया। अभी आप क्या हो जाएगा 79 रन, यहाँ पे ऑन एन एवरेज आ जाएगा आपका 79 रन। भाई क्यों कम हो रहा है, क्योंकि 28वां इनिंग वाला जो आया है ना वो 54 रन कम लेकर के आया है, तो ये 54 रन इससे ले रहा है, तो जब ले रहा है तो ऑन एन एवरेज सबका भी तो कम होगा, तो कितना हो रहा है ऑन एन एवरेज हर एक बंदे का दो रन कम हो रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, मतलब एवरेज 79 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर ये। अब देखो 28th इनिंग की बात थी, तो 28th इनिंग में क्या था आपका, तो जो ये एवरेज है उससे 54 रन कम है बनाया है, तो 28th इनिंग में रन कितने बनाए हैं उसने, ऑन एन एवरेज जो थे 79 उससे 54 रन कम बनाया, तो बनाया कितना, 9 में से 4 गया 5, 7 में से 5 गया 2, तो उसने 28th इनिंग में कितने बनाए, 25 रन बनाए। क्लियर ये चीज, इसको नोट डाउन करो, इसका भी मैं बेसिक बताऊं क्या आपको, बताओ। चलो इसका भी मैं बता देती हूँ, पहले आप लोग इसको नोट डाउन करो फटाक से, चलो इसको रब करती हूँ मैं, अब इसका भी बेसिक बता देती हूँ, इतना ही रब कर लो, पहले आपको बेसिक बता देती हूँ इसका, जैसे अभी बताया था ना वैसे ही है। इसमें भी क्या मान लो, पहले आप लोग अज्यूम कर लो, क्या कि अज्यूम कर लो, क्या ये एम है, एवरेज रन इन 28th इनिंग, मतलब 28 इनिंग्स में टोटल एवरेज रन क्या था, एक्स था एवरेज रन रेट, ठीक है। अब देखो 27 इनिंग्स में एवरेज क्या था, 81 रन बना रहा था, तो टोटल रन 27 इनिंग में कितना बनाएगा, तो 27 × 81। क्लियर ये चीज। अब देखो प्लस ये जो 28वां इनिंग है उसमें क्या बना रहा था, तो जो एवरेज है ना टोटल एवरेज एक्स, उससे 54 रन कम बना रहा था। अब अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पे टोटल ऑब्जर्वेशन है कितने, तो टोटल इनिंग्स है कितनी 28, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएंगे 28, इसको इक्वेट कर दो किससे, एक्स के, इसको सॉल्व कर लोगे आपके एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन थोड़ा सा लॉन्ग है, ठीक है, उतना लॉन्ग तो अभी खैर गिवन नहीं है, लेकिन हाँ ये धीरे धीरे क्वेश्चन कभी कभी आपको वैल्यूज पॉइंट में दे देती है या फिर और लंबे मल्टीप्लिकेशन दे देते हैं, इसीलिए मैं इसको अवॉइड करके इस तरीकों को ज्यादा प्रेफर करती हूँ, ठीक है। तो आपको जो भी सूटेबल हो, आप जिसमें भी, आप उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। बाकी इस तरीके से आप सॉल्व करके देखना कि आपका मैच हो रहा है कि नहीं आंसर, ठीक है। इसको नोट डाउन करो, फिर हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसको मैं रब कर देती हूँ अब। इसको रब कर देती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे आ गया होगा एकदम इसी तरीके का, आप लोग इसको सॉल्व करो, बिल्कुल इसी पे बेस्ड है नेक्स्ट, आप लोग इसको सॉल्व करो। क्या बोल रहा है कि भाई 12 बॉयज एंड अ गर्ल वेंट फॉर अ डिनर, एवरेज एक्सपेंडिचर मेड बाय बॉयज 120 रुपीज, और एक्सपेंडिचर ऑफ गर्ल इज 96 रुपीज लेस देन एवरेज, फाइंड एक्सपेंडिचर ऑफ गर्ल।
बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि भाई 12 लड़के और एक लड़कियां डिनर पे जाती हैं, ठीक है, तो 12 लड़के हैं जो 12 बॉयज हैं, वो क्या करते हैं ऑन एन एवरेज कितना खर्च करते हैं, 120 रुपए, 120 रुपए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, एक लड़की जो है वो ऐड होती है, तो उसका क्या दे रखा है, गर्ल्स का 96 रुपए लेस खर्च करती है देन एवरेज। 96 रुपए गर्ल आती है जब, वन गर्ल, तो टोटल जो 12 बॉय प्लस वन गर्ल उसका जो एवरेज है ना, एक्स मान लो, ये जो वन गर्ल है उससे क्या करती है 96 रुपए कम खर्च करती है, ठीक है भाई। रेशियो देखिए रहा, 12 लड़के एक लड़की है, क्यों दे भाई वो रुपए, ठीक है। तो अब बोल रहा है हाँ 96 रुपए कम खर्च करती है, मतलब ये जो 96 रुपए कम खर्च किए तो जाहिर सी बात है इसके पैसे क्या करे हैं 12 लड़कों ने मिलकर के दे दिए हैं, वो तो खुशी खुशी दे दोगे आप लोग, ठीक है। तो 12 लड़के मिलके 96 गर्ल्स को, सॉरी 96 रुपए को 12 लड़के मिलकर के दे दिए हैं, ठीक है। तो हर एक बंदा कितना दिया है, हर एक बंदा कितना दिया है, तो 96/12 मतलब हर एक बंदा 8-8 रुपए दिया है, ठीक है। 12 लड़के मिलके 8-8 रुपए दिए हैं, किसको, गर्ल्स को दिए हैं कि भाई लो तुम 8-8 रुपए हमसे और हमारे एवरेज के इक्वल आ जाओ, ये चीज क्लियर, ठीक है। अब देखो 8-8 रुपए दिया है हर एक ने, तो एवरेज जो यहाँ पे गर्ल का क्या हो जाएगा, फिर 12 बॉय और एक गर्ल जो सबका मिला के ऑन एन एवरेज, जब बॉय ने 8-8 रुपए सबको दे दिए टोटल 96 रुपए, तो एवरेज कम होगा, कितना कम होगा, तो सबका ऑन एन एवरेज कम कितना हो रहा है, 8 कम हो रहा है, तो यहाँ पे -8 कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपका एवरेज, 10 में से 8 गया 2, 1, 1, तो एवरेज हो जाएगा बाद में 112 रुपए, ठीक है। 112 रुपए टोटल एवरेज खर्च हो रहा होगा 12 लड़के और एक लड़की का, ठीक है। अब भैया लड़की निकली चालाक, क्या की वो और कम दे रही है, कि जो लड़की का खर्च है ना वो और 96 रुपए कम दे रही है, तो टोटल खर्च हो कितना रहा था ऑन एन एवरेज 112, लड़की उसमें भी 96 रुपए कम दे रही है, तो दे कितना रही है ये 112 में से 96 जाएगा, तो क्या हो जाएगा 12 में से 6 गया 6 और यहाँ पे 10 में से 9 गया 1, तो लड़की मात्र 16 रुपए दे रही है, देख लो आप लोग, ठीक है। तो एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ गर्ल कितना आ गया 16 रुपए, ठीक है, सॉरी एवरेज नहीं, इसे पूछा एक्सपेंडिचर ऑफ गर्ल, अगर आपसे पूछे एवरेज एक्सपेंडिचर तो एवरेज तो यही है 112 रुपए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा है सिर्फ एक्सपेंडिचर ऑफ गर्ल, तो वो क्या आएगा आपका 16 रुपए, क्लियर ये चीज, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग फटाक से। इसका जो ट्रेडिशनल मेथड है वो आप लोग खुद से ट्राई करना, मैं आप लोग के लिए ये छोड़ती हूँ, ठीक है, और आप लोग ट्राई करके बताओ कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको फिर प्रॉब्लम होगी तो आप मेरा वीडियो फिर से देखना, आप जरूर से कर ले जाओगे, तब भी नहीं समझ में आता है तो हमारा टेलीग्राम का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लो, आप वहाँ पे चीजें डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। और बाकी अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है आप हमें कमेंट करके बताओ, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, वीडियो में कोई इशू है या कोई परेशानी, किसी भी तरीके का दिक्कत परेशानी है, या फिर आपको अच्छा लग रहा हो पढ़ना, तो जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें आप लोग कमेंट करके बताओ, ये हम लोग एज अ फीडबैक लेंगे आपसे, ठीक है, और हम लोग इम्प्रूव करेंगे। और जिस जो भी बंदा हमारे चैनल पे नया है आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, जिससे हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप हमारे वीडियोस को देखते रहो, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो, शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड सर्कल में, जिससे कि आपके साथ साथ सारे लोग बाकी जो भी हैं इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके, ठीक है। और तब तक अपना ख्याल रखो, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और कंसेप्ट सीखेंगे, लेकिन उससे पहले ये जितनी भी चीज़ें मैं करा रखी हूँ अभी तक सारा रिवीजन कर लेना, ठीक है। क्यों रिवीजन कर लेना, क्योंकि इसी पे बेस्ड में आप देख ही रहोगे खुद ही आगे बढ़ती जा रही हूँ कितना एक दूसरे से कोरिलेटेड है क्वेश्चन, तो अगर आपको नहीं आएगा, आपका बेस ही नहीं क्लियर होगा, तो आप आगे कैसे पढ़ोगे, इसीलिए जरूरी है कि आपको बेस मजबूत हो जाए, ठीक है।
ठीक है। तो इसीलिए जो स्टार्टिंग के लेक्चर्स है आप उनको बहुत ध्यान से देखना, उनका रिविजन कर लेना, उसके बाद आगे बढ़ना। कहीं भी किसी पॉइंट पे अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें मैसेज करके बताओ, हम लोग आपको समझाएंगे और कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ किस स्टेप पे क्यों नहीं आ रहा, आपका क्या दिक्कत है, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखो आप लोग, बाय बाय, टेक केयर।